आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षर। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को स्वर कहते हैं, दूसरे भाग को व्यंजन कहते हैं। तो स्वर में कुल 13 अक्षर होते हैं और व्यंजन में कुल आपके 39 अक्षर होते हैं। तो दोनों मिलाकर के 52 अक्षर हो जाते हैं। तो टोटल आज 52 अक्षर हम लिखेंगे और एक एक करके बोलेंगे भी कि उसको उच्चारण में क्या बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर हम शुरू करते हैं और स्वर में कुल 13 होते हैं। तो पहला स्वर का जो अक्षर होता है वो अ होता है, अ लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा अक्षर होता आ होता है, आ। उसके बाद होता है इ, 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 और उसके बाद होता है ई। उसके बाद होता है उ, उसके बाद उ, उसके बाद री होता है। इसको छोटी और बड़ी भी बोलते हैं, छोटा और बड़ा बोलते हैं। लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ई, ओ, ऐसे पढ़ना है। ये री हो गया। री के बाद जो अक्षर आता है वो आता है ए। फिर उसके बाद जो अक्षर आता है उसके बाद होता है ए। देख लीजिए इस तरह का होता है। नेक्स्ट ओ, औ, अंग, आ। ये 13 अक्षर हो गए। इन 13 अक्षर को मिलाकर टोटल स्वर कहा जाता है। उसके बाद हम व्यंजन लिखेंगे। अब इसके बाद व्यंजन होते हैं क से शुरू। अब क से शुरू होता है और इसमें टोटल 39 अक्षर होता है। तो लिखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ हो गया आपका क, उसके बाद हो गया ख, ग, घ, ग, उसको ग बोलते हैं। इसके बाद यहाँ लिखेंगे च, फिर लिखेंगे छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। अब देखिए इस ज्ञ के बाद भी 3 अक्षर होता है। ज्ञ के बाद भी 3 अक्षर लिखते हैं। तो 3 अक्षर में कौन कौन होता है? ये होता है स्र, उसके बाद होता है ढ, और उसके बाद होता है ड़। ये इसमें इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें इसके नीचे बिंदु नहीं है और यहाँ पर बिंदु लिखेंगे। और यहाँ देखिए थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर बिंदु नहीं है, यहाँ पर बिंदु लिखेंगे। तो बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे ड, लेकिन इसको बोलेंगे ड, ड बोलेंगे। अब इस तरह से कुल 39 अक्षर हो गए होंगे। गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो ये टोटल होते हैं 39, ये होते हैं टोटल 12, 13। तो 13 और 39 मिला करके टोटल हो गए 52 अक्षर। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर ही होते हैं। तो इसको आप लिखेंगे और बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।